तो कैसे हैं आप? भीम भैया भेड़िए से बचने के चक्कर में ऐसी छलांग लगाते हैं और सामने से टाइगर आ जाता है, लेकिन भीम भैया हवा में ऐसा स्टंट दिखाते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के टाइगर तोराव का स्टाइल है तो ले से बच के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन टाइगर कहाँ टाइगर है, और टाइगर भीम भैया के पीछे कुछ इस तरह दौड़ता है कि आज लगता है उनको खा ही जाएगा। लेकिन सुन के लेकिन जब कैमरा नीचे के एंगल से आता है तो टाइगर इतना दूर हो जाता है और भीम भैया झटके से रस्सी को पकड़ते हैं और जोर लगा के खींचते हैं। रस्सी को खींचने वाले होती है कि हुक्म डालने वाले होते हैं कि एक इंच की दूरी हो जाती है, और जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो काफ़ी दूरी होती है और रस्सी ये क्या ढीली है। लगता है भीम भैया को कुछ ज़्यादा ही जान लगानी पड़ेगी रस्सी ढीली होने के बावजूद भी, और कैमरा जैसे पीछे से एंगल से आता है तो रस्सी टूट जाती है। ये क्या बकचोदी है। इस आंदोलन में सब जोर लगा के फेंसिंग के तारों को हिला रहे हैं और पुलिस वाले तो बेसी गिरते हैं। जैसे अपने राम भैया ड्रम पर एक जोरदार छलांग लगाकर कटीले तारों पर पैर रख के इस तरह कूदते हैं कि स्पाइडरमैन को भी फेल कर देते हैं। और ये क्या है, इनका पैर इन तारों में भी नहीं गया और तार ना ही नीचे धसे। वाह वाह वाह, ये राम भैया है कि सुपरमैन के फैन है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये वापस करते हैं। जैसे ही राम भैया दौड़ते हैं और ड्रम पर लात रख के इतनी जोर से छलांग लगाते हैं, पर ये क्या दूसरे सीन में तो ड्रम बिल्कुल अलग ही है। और जे भाई साहब खुले हुए ताले को फिर दोबारा से खोलने की कोशिश करते हैं। जब राम भैया इसको धक्का देते हैं और राम भैया को आंदोलन वाले सब बाहर खींचते हैं, लेकिन ये क्या इसे इन्हें तो अंदर की तरफ ही धक्का दे दिया। ये क्या, अब राम भैया को सांस में सांस आई कि आंदोलन वालों ने मुझे अंदर ही धक्का दे दिया। उस साइड वाली दीवार देख रहे हैं, वहां से आंदोलन ही क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना फेंसिंग के तार है ना कुछ का, आराम से लेने का। हाँ। और जैसे ही राम भैया ने धक्का दिया तो इसको मेरे हिसाब से कुछ यहाँ गिरना चाहिए, पर भाई साहब का फीक का नियम ऐसा है कि सीधे जाके कमिश्नर के चरणों में गिरती है। सीन में राम भैया के ऊपर इतने सारे आदमी गिर जाते हैं और राम भैया एकदम कंफर्टेबल अंदर बैठे रहते हैं। जैसे इस आदमी को डंडा मारती है, इसके मुंह से पिचकारी निकलती है, लगता है जैसे इसने बिमल मसाला खाया है। एंगल में पुतला कितनी दूर है, जैसे ही एंगल चेंज होता है राम भैया गिरते हैं और लात मारते हैं तो पुतले में लगती जाके वो पुतला इतना नजदीक कैसे आया था, क्या राम भैया की लात लंबी है। राम भैया नदी में डूबता हुआ लड़का देखते हैं और उनको भीम भैया को इशारा करते हैं। भीम भैया इतनी फुर्ती में गाड़ी पर बैठते हैं और जैसे किक मारती है तो किक उनके पैरों के बीच से निकल जाती है, क्या ये जादू है। और अगले ही सीन में किक गायब हो जाती है। राम भैया रस्सी को इतनी जोर से फेंकते हैं और इशारा करते हैं भीम भैया की तरफ, लेकिन भीम भैया भी इतनी जल्दी समझ जाते हैं कि रस्सी का क्या करना है और जैसे ही स्टंट करते हैं हवा में उड़ते हुए स्पाइडरमैन की तरह कूदते बच्चे को कुछ इस तरह से फेंकते हैं और राम भैया कैच करते हैं और कैच करने के बाद बच्चे को फुटबॉल की तरह दूर फेंक देते हैं। मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक। राम को अपने जब पंजे मारता है तो अब ये भीम का हाथ है ही नहीं, क्योंकि भीम के हाथ की स्किन नजर आ रही थी और इसके हाथ पर तो ये वाइट कपड़ा बंधा हुआ है और लगता है रियल वॉल्वरीन भीम नहीं बल्कि राम है, जो अभी पंजा मार के निकाला ही और राम भैया का खून सूख भी गया। यही नहीं, अगले ही दिन अब इत्तो से भी चोट या घाव नजर नहीं आ रहा। अरे भैया कौन सी क्रीम लगाते हो, भीम इतनी ऊपर से नीचे जंप मार रहा था। भीम भैया में पड़ रही है हंटर की मार और जिस प्रकार से बंधे हुए हैं ऐसे में हंटर खाने में कुछ अच्छा ही लगता है। और जैसे ही कैमरा का एंगल चेंज होता है ये नीचे हो जाती हैं और जैसे ही कैमरा का एक्शन दोबारा से चेंज होता है और भीम भैया को रस्सी से बांध दिया जाता है तो ये गायब ही हो जाते हैं और भीम भैया कुछ इस तरह लटकते हुए पैरों को खिसकाते हुए तो शुक्र है अन्ना ने जंप मार दी, नहीं तो अन्ना का मुन्ना उड़ जाना था। और अन्ना की जंप चेक करो, अन्ना ओलंपिक्स में होते ना तो पक्का देश के लिए गोल्ड मेडल ले आते। राम भैया इन पुलिस वालों को रोक रहे हैं आगे जाने से, पर इसे तो पकड़ा भी नहीं और खुद ही खड़ा हुआ। ऊपर से गिरते हुए किसी ने इसे टच भी नहीं किया और खुद ही चिरकुट कलाबाजी मार रहा है। अब यार इनकी दोस्ती को सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं और डायलॉग देखो, और अपने साले 10 साल पुराने दोस्त ऐसे निकल आते हैं। Thank you.
यार अपने किसी दोस्त के साथ भाई किसी को नहीं दिख रहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। और भीम का हाथ एकदम खाली है, पर राम जब भीम से कहता है किसने बताया, तो हाथ में एकदम से ये लॉकेट निकल आता है। भीम ने राम को बाहर निकालने के लिए पूरा केज उखाड़ दिया। भाई जब इतनी ताकत है कि पूरा केज निकाल सकते हो तो इससे अच्छा छोटू सा लॉकेट तोड़ देते, किसी को पता नहीं चलना था। और वो लोग साथ ही लगा हुआ है, पर जब ये केज फेंकते हैं तो वो लोग एकदम से गायब ही हो गया। राम भीम के कंधे पर बैठ कर इन अंग्रेज सिरकुटों से उनकी गन ले लेता है। तो मैंने सोचा कि ये गन का करेंगे क्या, क्योंकि भाई गोलियां तो ली नहीं और इन गन्नों में तो एट अ टाइम डलती भी एक ही गोली है। और फिर जब ये गोलियां मारना शुरू होती हैं कि इनकी गोलियां खत्म ही नहीं हो रही। और जब यहाँ पर चढ़ रहे हैं तो क्लियरली इनके पास कोई गन नहीं है। इस चिटकुट को किक मार के गिरा रहे हैं तब भी इनके पास कोई गन नहीं है। पर अब कैमरा इन पर आता है तो अब हाथ में राइफल लेके खड़े हुए हैं। और यार भीम को कसम से डॉक्टर होना चाहिए था, मतलब कोई भी कोयला पकड़ के उसका पानी पिलाता तो